In this lecture, we are going to start with the more example based on Turing machine. So the question is, design a Turing machine which recognizes words of the form a raised to power n, b raised to power n, c raised to power n such that n is greater than or equal to 1. So for what we have to design the Turing machine, number of a's followed by number of b's followed by number of c's, iske liye hame Turing machine design karni hai. सो इन प्रीवियसली वी हैव सॉन फॉर ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन, बट यहाँ पे अभी तीनों इसके लिए मैचिंग करनी है. ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे. फर्स्ट हम लोग ए कंसिडर करेंगे, सो इसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके रिलेटेड बी को वाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके रिलेटेड सी को जेड में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट वन बाय वन वी कैन मैच. ओके, सो सी हियर, we are starting from the state, initial state, that is Q0. First input aaya A, so we are converting it into the X and moment is right. ठीक है, now अगर मैंने n की value 2 consider की तो word क्या होगा, that is AA BB CC, ये word होगा, right? So first मेरे पास Q0 से A read किया, उसे X में convert किया, right? सो एक्स में कन्वर्ट करने के बाद मूवमेंट मेरी कहाँ है, राइट में है. राइट में मुझे फिर से ए मिला, तो ए मिला तो मुझे क्या करना चाहिए, एज इट इज़ रखना होगा. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया कि जितने भी नंबर ऑफ एज होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, राइट. सो ए एज इट इज़ रहेगा, जैसे ही फर्स्ट बी मिलेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू वाई. क्लियर, सो बी इज़ कन्वर्टेड इन टू वाई, मूवमेंट इज़ राइट. सो जब भी हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर मूवमेंट चेंज करते हैं, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट, राइट. सो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही बी इनपुट आता है वी आर कन्वर्टिंग इन टू वाई, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट चेंज कर दी. ठीक है, सो उसके बाद फिर से बी आया, सो बी शुड बी एज इट इज़, सो इसीलिए लूप लगाया वहाँ पे. नाउ उसके बाद मेरा फर्स्ट सी आया, सो सी विल बी कन्वर्टेड इन टू जेड. ठीक है, रिप्लेसमेंट आया इसीलिए मूवमेंट चेंज हो गई. फिर से मेरे पास अगर सी आता है तो सी विल बी रिप्लेस्ड विद सी, मूवमेंट, सॉरी, हाँ, सी विल बी, सी से हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं. अभी लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा, सी से हम लोग लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में क्या मिलेगा, बी. सो बी विल बी रिप्लेस्ड विद बी, मूवमेंट इज लेफ्ट. ठीक है, फिर से ए बी मिलेगा, कब तक जाना है, एक्स तक, राइट. सो फिर से लेफ्ट में जाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बी मिला, उसके बाद क्या मिला, वाई. सो वाई विल बी रिप्लेस्ड विथ वाई, मोमेंट लेफ्ट. फिर से क्या मिला, ए मिला, सो ए विल बी रिप्लेस्ड विथ ए, मोमेंट लेफ्ट, राइट. उसके बाद क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा. क्लियर, सो जैसे ही एक्स मिलेगा, सो एक्स विल बी रिप्लेस्ड विथ एक्स, मोमेंट राइट. सो एक्स विल बी रिप्लेस्ड विथ एक्स, मूवमेंट राइट. सो फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होगी. सो फर्स्ट फिर से ए मिला, फिर से ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. देन क्या मिला हमें, वाई मिला. सो वाई विल बी एज इट इज, राइट. सो इसीलिए वाई के लिए भी लूप लगाया हमने, वाई शुड बी एज इट इज़ ना अभी. ठीक है, जब बी मिलेगा तब उसे वाई में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो बी मिला, वाई में कन्वर्ट किया. ठीक है, देन उसके बाद क्या मिला, जेड मिला, जेड शुड बी एज इट इज़. उसके बाद फिर से क्या मिला, सी. सो सी को फिर से हमने किस में कन्वर्ट किया, जेड में कन्वर्ट किया, राइट. सो एंड मूवमेंट लेफ्ट की. अभी लेफ्ट में क्या मिला मुझे, जेड भी मिला, सो जेड शुड बी एज इट इज़, राइट. क्लियर, फिर से वाई मिला, सो वाई एज इट इज़. एक्स मिला, सो एक्स विल बी रिप्लेस्ड विथ एक्स, देयर इज नो मोमेंट. क्लियर, सो यहाँ से हमने मोमेंट क्या की, राइट की. ठीक है, अभी क्यू जीरो पे है, अभी क्या मिला, वाई मिला, मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ एज प्रोसेस्ड हो गए हैं. सो वाई मिला, वाई विल बी रिप्लेस्ड विथ वाई, मोमेंट राइट. उसके बाद फिर से वाई मिलेगा, सो रिप्लेस्ड विथ वाई, मोमेंट राइट. जेड विल बी रिप्लेस्ड विथ जेड, मोमेंट राइट. जब तक ये ब्लैंक नहीं मिलता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि नंबर ऑफ एज तो प्रोसेस हो गए ना, लेकिन नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ सीज प्रोसेस हुए हैं या नहीं वो हमें चेक करना होगा, इसलिए ये लूप लगाया हमने, राइट. सो ब्लैंक तक जाएंगे, अगर ब्लैंक मिला मीन्स व्हाट, सभी मैच हो चुके हैं. सो ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विथ ब्लैंक एंड देयर इज नो मोमेंट. क्लियर, सो लाइकवाइज वी हैव टू अप्लाई
the logic and design the Turing machine. After that, in the same way, we have to draw the transition table in between state and tau elements. So states कितने हैं Q0 to Q5, tau elements कौन से हमारे A, B, C, X, Y, Z and blank. अभी वही हमें शो करना है. सो Q0 से A लिया, सो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1, A विल बी रिप्लेस्ड बाय X, मोमेंट इज राइट. बाकी और किसके लिए है क्या यहाँ से, नहीं है, Y के लिए है डायरेक्ट. सो Y के लिए नेक्स्ट स्टेट इज Q4, Y will be replaced with Y, moment right. So in the same way we have to find out the transitions for all the states for all the tau elements. Clear? उसके बाद next क्या रहता है, Turing machine के tuples, right? So the Turing machine M is given by M is equals to Q summation tau delta Q0 B capital F, where Q is equals to जितने भी states है, that is Q0 to Q5. Summation is equals to input, that is ABC. Tau is equals to tau k elements, that is ABC, XYZ, blank. Q0, initial state, P, blank symbol, capital F, is equals to final state, that is Q5U, which is called as the halting state also. और इसके बाद एक string का acceptance भी आपको show करना होगा. Clear?